हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईआईटी धारवाड़ की कट ऑफ्स बताऊंगा 2023 की, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रैंक पे आप सभी का एडमिशन हो जाएगा 2023 में आईआईटी धारवाड़ में, और आप सभी की कैटेगरीज में, सिर्फ जनरल की बात नहीं करूंगा, यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं पूरी डिटेल में देख सकते हैं, और फीमेल के लिए भी बात करूंगा और सभी ब्रांचेस की बात करूंगा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की नहीं, कंप्यूटर साइंस से लेकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी अवेलेबल है जिसमें जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है, तो पूरी डिटेल में हम समझेंगे 2023 में क्या कट ऑफ्स रहने वाली है, ताकि और क्या रैंक आपको पानी लानी है इस साल 2023 में, ताकि आपका 100% एडमिशन हो जाए आईआईटी धारवाड़ में। कर्नाटक में लोकेटेड है, एक बहुत ही न्यू आईआईटी है, एनआईआरएफ में इसको रैंकिंग नहीं मिली हुई है। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेकर नहीं आता, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और चलते हैं स्क्रीन पर, पूरे डिटेल में समझाऊंगा मैं, और इसके बाद एक और आईआईटी बची हुई, आईआईटी भिलाई, उसका हम कर देंगे जल्द से जल्द। बाकी इसके ऊपर जितने भी आईआईटीज हैं उन सबकी कट ऑफ्स मैंने कर दी हैं 2023 के लिए, जाकर देख सकते हैं रिसेंट अपलोड्स में। चलते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम सब स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं आईआईटी धारवाड़ एकेडमिक प्रोग्राम ऑल, मतलब सभी ब्रांचेस की, और कैटेगरीज ऑल, मतलब सारी कैटेगरीज की। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, सबसे पहली अगर मैं ब्रांच की बात करूँ वो है केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत एक एवरेज ब्रांच है, जिसको मैं टॉप और लो नहीं बोलूँगा। इसकी जो एआई मतलब ऑल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर होम स्टेट अदर स्टेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट टाइप ओपन मतलब जनरल, क्लोजिंग रैंक मतलब जो हमारी राइट साइड में है सबसे, वही हमारी कट ऑफ होती है, जो कि 13,500 के अराउंड रहने वाली है इस साल 2023 में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं 2023 के लिए। और बात करें फीमेल के लिए, तो 18,000 से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं इस साल 2023 में, और ये बिल्कुल सही कट ऑफ्स हैं, इतनी ही कट ऑफ्स जाने वाली हैं इस साल 2023 में, क्योंकि मैं पिछले दो साल से कट ऑफ्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, और मेरी सारी कट ऑफ की वीडियो सही होती हैं। ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी फीमेल, और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग, देखो यहाँ पे जो भी कैटेगरी कट ऑफ्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 1955 है, 1950 के अराउंड इतनी जाने वाली है, तो ये कैटेगरी रैंक कट ऑफ है, सीआरएल नहीं है, सीआरएल इतनी हाई नहीं हो सकती। और ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी, एससी फीमेल, एसटी, और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। देखो इसके अंदर फीमेल का अवेलेबल है, और भी सिविल की अगर हम बात करें यहाँ, तो ये सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिविल ही ब्रांच है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो गया है, वो कोई उससे मतलब है नहीं, सिविल ही समझो। 13,400 अगेन 13,500 के अराउंड सी कट ऑफ जाने वाली है, और प्लेसमेंट्स भी बहुत लो आजकल चल रही हैं सिविल में, और पैकेज भी, रेट भी, और कट ऑफ भी लो चल रही है। तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी का आपको देखना है, यहाँ अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हैं, या फिर अगर मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, उसके बाद EWS, OBC, OBC फीमेल, SC और SC, उसके बाद SC फीमेल, ST, और नेक्स्ट हमारी जो हम सभी की फेवरेट है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे CS की बात अगर करें, 4500 के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है, और अभी इससे पहले मैंने IIT जम्मू की करी थी, और भी बहुत से IITs की करी थी जो लो IIT हैं, उनमें भी अप्रॉक्स IIT जम्मू में भी इतनी ही थी। तो अगर, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारी लास्ट सेकेंड IIT है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और इसके बाद IIT भिलाई बचा है, उसकी कट ऑफ मैं कर दूंगा 2023 में क्या रहने वाली है। और इसके ऊपर जितने भी IITs बच जाते हैं, सभी की IITs मैंने कर रखी है, अपने चैनल पे जाकर देख लेना, रीसेंट अपलोड्स में मिल जाएंगी। यहाँ बात करें प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जल्द से जल्द मैं इसकी जो प्लेसमेंट्स है धारवाड़ की वो लेके आऊँगा मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, OBC PWD यहाँ पर भी है, SC SC फीमेल, ST ST फीमेल, और कंप्यूटर साइंस तो वैसे ही आप ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये भी एक हम अच्छी ब्रांच मानेंगे, और 9,200-9,300 के अराउंड इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका इस साल जेईई एडवांस में 9,000 या उससे थोड़ी ऊपर नीचे रैंक बनती है जेईई एडवांस में, 9,100-9,200, तो आपको इस IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, लोकेशन भी सही है वैसे, लेकिन मेन सिटी में इसका लोकेशन आई थिंक नहीं है। और बात करें आप जिस भी, यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ, जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हैं यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो कि एक डिसेंट ब्रांच मानी जाएगी, 11,200 के अराउंड इसकी कट ऑफ जाएगी इस साल 2023 में। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, फिर फीमेल और EWS, यहाँ पे EWS फीमेल ने आई थिंक अप्लाई नहीं करा इसलिए, और ST फीमेल ने भी, OBC फीमेल किया होता तो ज़रूर दिखाता, SC फीमेल, ST अगेन, यहाँ पे ST फीमेल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, तो
तो यहाँ पे ये एक लो ब्रांच है और इसमें डुअल डिग्री है और इवन ये बीटेक भी नहीं है, बीएसएमएस 5 ईयर का है। तो 14,700 एकदम लो कट ऑफ गई हुई है इसकी, सबसे लो इसी की है आई थिंक अभी तक की जितनी भी मैंने करी हैं। फीमेल के लिए 23,000 से भी ऊपर पे आपको एडमिशन मिल रहा है अगर आप जनरल हैं फीमेल है तो। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल और एसटी फीमेल, यहाँ पे एसटी फीमेल है। बात करें हम अगली ब्रांच की जो कि बहुत ही कमाल की है, जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, जो कि है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसकी कट ऑफ भी इसीलिए हाई है, 6300 के अराउंड इसकी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो समझ जाओ, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में बिल्कुल आ रही होगी, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं और मैं इतना तो बोल सकता हूँ, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे और हो भी रहे होंगे सारे डाउट्स क्लियर। ओबीसी अगेन जितनी भी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स हैं, एससी फीमेल, एसटी। और नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर 11,300 के अराउंड पे आपका एडमिशन होगा। फीमेल के लिए 19,300 और देख सकते हैं ये सारी कट ऑफ्स जो राइट वाली है वहीं हैं, लेफ्ट वाली ओपनिंग रैंक है, जो कि हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ईडब्ल्यूएस फीमेल, ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल, नेक्स्ट एसटी और एसटी फीमेल। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है, वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं मुझे और वहाँ पर मुझसे बातें भी कर सकते हैं। और यही बोलूँगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको पता है एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ अपने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को रोक के, और बैकग्राउंड नॉइस की वजह से कम मैं 50 बार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एक ही वीडियो को। तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, आपका भी इसमें बेनिफिट है, मेरा भी है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी वीडियोस डेली मिलेंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ चाहे कोई भी डे हो, और ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में जान सके, आपको मैं बता सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जेई मेन्स, जेई एडवांस के एग्जाम है, उससे पहले पहले सभी कॉलेज के बारे में हम जानेंगे। कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग, फीस स्ट्रक्चर और इन सब पे वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। कोई भी फालतू टॉपिक पे वीडियो लेके नहीं आता, ताकि आप सब बेल आइकन प्रेस करने के बाद डिस्टर्ब ना हो। तो आप बिल्कुल बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं कल की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में।